नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ लिया है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए हमारे एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिख रहा होगा दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन स्क्रीन पे आ गया होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें से पहला क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये क्वेश्चन है आपको क्या होगा, चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, चार ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट एक हो सकता है, एक से दो भी ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके नीचे आपको ऐसे ऑप्शंस भी दिए जाएंगे कि ए सही है, ए बी सही है, इसमें से आपको क्या करना है, सही ऑप्शन को टिक करना है। अभी हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है दोस्तों, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ऐसी कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो क्या करती है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्स करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते टाइम आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते टाइम मैंने आपको बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब एक रिसोर्सेस हम यूटिलाइज कैसे करें और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, अलोकेट कैसे करें, इससे कंसर्न्ड कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। ए ऑप्शन है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स, बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सी है इकोनोमेट्रिक्स। अब इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, कंसेप्ट के लिए आपको बता दूं कि इकोनोमेट्रिक्स होता है कि कोई स्टैटिस्टिकल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स स्टडी करती है, वो है इकोनोमेट्रिक्स। और डी है नन ऑफ द दीज। ठीक है, अभी इसमें से हमने पढ़ा था उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम, ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया है आपको ए बी एंड सी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन ए एंड बी में माइक्रो एंड मैक्रो भी इंक्लूड हो गया, मैक्रो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है ओनली ए, तो ये है दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर वन उसमें से फर्स्ट जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है उसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री ओनली ए। जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट विच आर स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कौन सी कंसेप्ट स्टडी करते हैं, इसकी हमें लिस्ट दी होगी, उस लिस्ट में से हमको ढूंढना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सी कंसेप्ट स्टडी करते हैं। पहला दिया है दोस्तों नेशनल इनकम। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेशनल इनकम आ सकता है क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में, नहीं आ सकता, क्योंकि वो व्यू पॉइंट है, वो सिलेबस है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इधर जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल आ सकता है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल प्राइसेस एंड नॉट द जनरल प्राइस लेवल, इसके लिए जनरल प्राइस लेवल ऑप्शन भी गायब हो गया। तीसरा है दोस्तों फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, हमने पढ़ा कि रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, उनको जो जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं वो क्या है, फैक्टर प्राइसिंग में आते हैं। तो ये फैक्टर प्राइसिंग एक ऑप्शन आएगा, सी हम लोग ध्यान में रख देंगे। डी है दोस्तों प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था कि इसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग भी इंक्लूड होगा, मतलब मैंने आपको बोला था कि एक पेन की प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करना है वो हमें कौन बताएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। इसके लिए हमारे दो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, एक है सी फैक्टर प्राइसिंग और दूसरा है डी प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से, मतलब हमें जो ऑप्शंस दी है 1, 2, 3, 4, इसमें से अभी हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है दोस्तों बी एंड सी। बी है जनरल प्राइस लेवल, ये तो आ ही नहीं सकता, इधर ही ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा है बी सी डी। बी में आ गया है जनरल प्राइस लेवल, हमने डिस्कस किया ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, दूसरा ऑप्शन भी गायब हो गया। तीसरा है ए बी सी। ए है हमारा ऑप्शन नेशनल इनकम, तो ये भी नहीं आ सकता क्योंकि नेशनल इनकम इज अ सब्जेक्ट पार्ट ऑफ व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फोर्थ ऑप्शन जो बचा है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से हमने निकाला, सी एंड डी, मतलब फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर नंबर फोर, सी एंड डी वाला।
तीसरा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, कौन सी मेथड से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। चारों ऑप्शन अभी उसके नीचे के पढ़ लेते हैं। पहला है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मतलब क्या होता था, ग्रॉसली स्टडी करते थे एक इकोनॉमी की, हम लोग ग्रॉसली स्टडी करते थे लंपिंग मेथड में। ये तो था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसके लिए ये ए ऑप्शन गायब हो गया। बी है दोस्तों एग्रीगेटिव मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, ना कि एग्रीगेट को, इसके लिए ये ऑप्शन भी चला गया। सी है दोस्तों स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड में हमने देखा था कि इकोनॉमी को स्लाइसेस बना के कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, इसके लिए क्या हो गया, ये सी ऑप्शन हमारे लिए राइट है। एक ऑप्शन हमने इसमें से देख लिया सी ऑप्शन। डी देखते हैं इंक्लूसिव मेथड। ये इंक्लूसिव मेथड नहीं है, तो ये डी चला गया। अब देखते हैं हम हमारे ऑप्शंस नीचे क्या क्या दिए है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ए सी एंड डी। ए तो हो ही नहीं सकता है लंपिंग मेथड, तो ये ऑप्शन इधर चला गया। सेकंड है ए बी एंड डी, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि लंपिंग मेथड हमने अभी एलिमिनेट कर दिया। तीसरा है ओनली सी। ओनली सी स्लाइसिंग मेथड, ये बराबर ऑप्शन है। ऑप्शन इसके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री, ओनली सी वाला। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों करेक्ट ऑप्शंस चूज करने का। फोर्थ है कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या कंसेप्ट स्टडी करते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने है। पहला है होल इकोनॉमी, सही है, एकदम बराबर ऑप्शन है कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, पूरे के पूरे इकोनॉमी को क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। फिर है दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब पूरे इकोनॉमी के डेवलपमेंट को किधर स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये भी ऑप्शन बराबर है। तीसरा है एग्रीगेटिव स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट यूनिट्स, तो ये भी सही ऑप्शन है एग्रीगेटिव स्टडी का। फोर्थ है दोस्तों प्रोडक्ट प्राइसिंग का। तो हमने देखा था कि माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग करता है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी देता है, इसके लिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमने कौन कौन से ऑप्शन लिए दोस्तों याद करते हैं। पहला है ए, दूसरा है आपके सामने होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बी, तीसरा है एग्रीगेटिव स्टडी का। अब देखते हैं कि अभी हमको क्या ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है ए बी सी, मतलब होल डीसी, होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीगेटिव स्टडी, तो ये सबसे राइट ऑप्शन है। जिधर हमारे तीनों के तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन वन। हम आगे का भी देख सकते हैं बट आगे के सब रॉन्ग है। बी सी एंड डी, डी में क्या आता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग आता है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ओनली डी में आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये भी नहीं हो सकता है। और ओनली ए में आता है होल इकोनॉमी, ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे मोर अप्रोप्रिएट आंसर, मोर अप्रोप्रिएट आंसर कौन कौन सा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है और एग्रीगेटिव स्टडी भी। आपको ये एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देनी है दोस्तों कि इसमें आपको मोर अप्रोप्रिएट आंसर देना है। अब क्या हुआ था, इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें ओनली ए भी था, मतलब होल इकोनॉमी भी था, बट उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या था, जिस ऑप्शन में तीनों थे, होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीगेटिव स्टडी। तो आपको ये याद रखना है ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है कंप्लीट द कोरिलेशन। कंप्लीट द कोरिलेशन, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू स्लाइसिंग मेथड, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो का फीचर होता है लंपिंग मेथड। कोई आंसर आपके सामने है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू लंपिंग मेथड। दूसरा है दोस्तों इसमें, इफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्री देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ट्री देन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ फॉरेस्ट, क्योंकि ये पूरे इकोनॉमी की क्या करता है, स्टडी कर लेता है। तीसरा है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज व्हाट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, देन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट प्राइसिंग से। तो इससे इसका आंसर आता है आपके स्क्रीन के सामने, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। फोर्थ है मैक्रोस, ग्रीक वर्ड मैक्रोस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। फिफ्थ है दोस्तों जनरल इक्विलिब्रियम इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा स्टेट ऑफ बैलेंस था, तो जनरल इक्विलिब्रियम मतलब पूरे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये है पार्शियल इक्विलिब्रियम, इसका आंसर है पार्शियल इक्विलिब्रियम का।
अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। इसमें क्या दिया होगा आपको, कोई इलस्ट्रेशन दिया होगा, इससे क्या करना है आपको, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा इस चैप्टर में उस कंसेप्ट को लिंक करना है, और एक सिर्फ दो लाइन में या तीन लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है उसका एक्सप्लेनेशन देना है। आपने कंसेप्ट सही पहचाना उसको एक मार्क, और जो भी आपने एक्सप्लेनेशन लिखा उसको एक मार्क, ऐसे दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। पहला पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, गौरी कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। पर्टिकुलर फर्म से क्या क्या मालूम पड़ता है हमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और नीचे हम लोग लिख क्या सकते हैं, अभी इसके नीचे लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स, इज द स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट सच एज इंडिविजुअल इनकम, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका आंसर था दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन हमने इसमें दे दी। सेकेंड है दोस्तों, रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये हमने किस में देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स की फीचर्स आपको याद आ रहे होंगे, तो उसमें देखा था कि फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी इसमें देखा था। तो ये कंसेप्ट है हमारा, फ्री मार्केट इकोनॉमी आ गया इधर। और फ्री मार्केट इकोनॉमी मीन्स द प्रोड्यूसर हैव फ्रीडम ऑफ टेकिंग सच डिसीजन, व्हाट डिसीजन, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मेनी टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, शबाना पेड वेजेस टू द वर्कर्स इन अवर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट टू द बैंक लोन। अभी इसके रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, रिवॉर्ड्स टू द फैक्टर प्राइसिंग। रिवॉर्ड टू द फैक्टर प्राइसिंग में हमने पढ़ा था कि हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनका रिवॉर्ड देना पड़ता है। अब लेबर का रिवॉर्ड क्या है, वेजेस है, और कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट है। तो इसका क्या है आंसर, क्या है, फैक्टर प्राइसिंग इसका आंसर है। और हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि फैक्टर प्राइसिंग डील्स विथ हाउ द रिवॉर्ड्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड और गिवन। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मुझे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपके तरफ लिख ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे एक्सरसाइज में है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द रीजंस विथ आर यू एग्री और डिसएग्री। मतलब आप इस सेंटेंस से एग्री है डिसएग्री है ये भी बताइए, और इसके साथ इसके रीजंस भी लिखिएगा। ये आपको क्या करना है दोस्तों, डिटेल में लिखना है, इसके रीजंस के साथ आपको ये सब डिटेल में लिखना है। पहला देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। तो आपको इस सेंटेंस पर से क्या ध्यान में आता है दोस्तों, हमने फीचर पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर था माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड है, इधर क्या दिया है अनलिमिटेड है। मतलब ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, मतलब हम लोग क्या होने चाहिए, डिसएग्री होने चाहिए इस सेंटेंस से। तो आंसर आता है इसका, आई एम डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज, और बिकॉज करके क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमें रीजंस देने। रीजंस देते टाइम एक ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, जो भी आप लिखेंगे वो पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क काट दे। तो जितने भी आप लोग पॉइंट लिखेंगे, चार पाँच पॉइंट, वो सब क्या लिखने हैं, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें मैंने लिखा है, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, बराबर। अभी जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्री डिसएग्री का, तो हमें एक काम करना है कि इस क्वेश्चन में जो टर्म है उसका क्या करना है, मीनिंग देना है, और उसके बाद ऐसा क्यों बोला, हमने एग्री क्यों बोला, डिसएग्री क्यों बोला, उसका रीजन देना है। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने, सो द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। दो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तीसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों, हेंस द माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द स्मॉलर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। आपको क्या कर रहे हैं, एग्जांपल भी दे देने हैं दो तीन, जिससे क्या होगा, ये कंसेप्ट आपको स्ट्रांग हो गया है, ऐसा एग्जामिनर को लग जाएगा। चौथा है दोस्तों इसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी द इकोनॉमी एज होल बट इट स्टडीज लिमिटेड टू द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। आपको वो जो सेंटेंस, वो जो क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया है, उसी भाषा में आपको क्या करना है, एंड में आंसर लेके आना है, और आपको बोलना है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है, और ये पूरे इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता है। और फिफ्थ में कंक्लूड करना है, फिफ्थ का कंक्लूजन का पॉइंट है आपके सामने, हेंस द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड एज इट इज द स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। अभी क्या करना है, इससे आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं इस आंसर का, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा एक गूगल ड्राइव की, उससे क्या करना है आपको, ये पीडीएफ जो मैंने आपके लिए आंसर्स लिखे हैं वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल
यूनिट्स। अब हमने क्या पढ़ा पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट एंड नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस सेंटेंस से हम लोग क्या होने चाहिए, डिसएग्री होने चाहिए, वही आंसर में लिखा है, आंसर आपके सामने आ रहा है अभी। आई एम डिसएग्री विद द अबू स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रीजंस देने हम सबको, क्या क्या रीजंस है? फर्स्ट है, इस कंसेप्ट को हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट को हमें अभी समझा देना है। अभी क्या समझा देना है इस कंसेप्ट को? द वर्ड मैक्रो मीन्स लार्ज और टोटल और एग्रीगेट। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दे देना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दे दी हमने। सो द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द लार्ज और टोटल यूनिट्स। ओके, तीसरा पॉइंट है इस सीरीज में, दस द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल दे दिए जैसे मैंने आपको पहले इसमें बोला था। फोर्थ पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दस द पॉइंट द स्टडी ऑफ बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द होल इकोनॉमी। मतलब पूरे इकोनॉमी को क्या करता है ये, स्टडी करता है ये बोल दिया हम लोगों ने। मतलब हमने उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, वो बोल रहे थे कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, हमने बोला कि नहीं भाई ये क्या करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को स्टडी कर लेता है। दस इट वर्क्स ऑन द टोटल लेवल रादर देन द इंडिविजुअल लेवल। और लास्ट पॉइंट आपका आएगा कि सो द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स एंड नॉट द इंडिविजुअल यूनिट्स। आपने क्या कर लिया, इसको कंक्लूड कर लिया इस आंसर को। तीसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दोस्तों बुक में, एक्सरसाइज में लिखा है तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन में आपके। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे, हमने अभी इस क्वेश्चन के पहले के दो क्वेश्चंस में ही देख लिया कि माइक्रो है इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी और मैक्रो है क्या है, एग्रीगेट यूनिट का स्टडी। उसको ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब ये सेंटेंस तो बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो यस आई एम एग्री विद द अबो स्टेटमेंट ऐसा हम लोग बोल देंगे बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस? पहला रीजन है आपके सामने, द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स व्हाट, लार्ज। हमने दोनों का डिफरेंस बता दिया कि दोनों के मीनिंग में ही फंडामेंटली डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट की स्टडी कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, अभी इन्होंने हमको दोनों भी कंसेप्ट पूछे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल फर्म। एग्जाम्पल के सहित हमने इनको बोल दिया। चौथा पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज लार्ज यूनिट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये भी हमने एग्जाम्पल में दे दिया। सो सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपके स्क्रीन पे, सो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। डिफरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया इसमें। आप लोग और भी ऐड कर सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। लास्ट के पॉइंट में मैंने कंक्लूड कर दिया कि हेंस द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे 5-6 पॉइंट में आपको कंक्लूजन करना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ज़्यादा भी लिखना नहीं है और कम भी लिखना नहीं है इतने पॉइंट्स से। चौथा जस्टिफाई विद रीजंस है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द स्लाइसिंग मेथड। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड ही यूज करता है। तो ये हमारा जो फीचर का इन्होंने जस्टिफाई करके पूछा था हमको, तो वो तो बराबर सेंटेंस है। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यस आई एम एग्री विद द अबो स्टेटमेंट एंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्या क्या रीजन है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। एक एक करके पहला रीजन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स। हमने ये अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी देख लिया। आपको ये थोड़ा सा रिपीटेटिव लग रहा होगा क्योंकि ये एक ही पार्ट के, एक ही चैप्टर के ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके लिए एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नया आएगा, मतलब सब मिक्सअप करके आएगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये रिपीटेशन हो रहा है। तो हर इसमें हम लोग सेम ही चीज़ लिख रहे हैं बट थोड़े से अलग एंगल से लिख रहे हैं। पहला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, मीनिंग बता दिया। सेकेंड पॉइंट में लिखना है कि इट डजेंट स्टडी द इकोनॉमी एज होल बट स्टडीज द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंस बता दिया क्यों माइक्रो मैक्रो से अलग है। तीसरे में बता दिया कि वाइल स्टडिंग द स्मॉल पार्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसेस द इकोनॉमी इन द स्मॉल पार्ट्स। इन्होंने जो क्वेश्चन में वर्डिंग यूज किया था उसी वर्डिंग को हमने आंसर में डाल दिया और बोल दिया कि इकोनॉमी का क्या करता है, स्लाइसिंग कर लेता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ पॉइंट है, नाउ ईच स्लाइस दैट इज इंडिविजुअल यूनिट, जो इंडिविजुअल यूनिट बचा है इज स्टडीड सेपरेटली इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये यूनिट्स को हम लोग सेपरेटली स्टडी कर लेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिख सकते हैं कि इट स्टडीज द इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। ये लाइन भी मैंने क्या किया, टेक्स्ट बुक से लिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो स्लाइसिंग मेथड का जो आपको फीचर दिया है उसमें से ही कुछ कंटेंट उठा के इस आंसर में डाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा, इनको हम लोग एग्री है इस चीज़ से, ये बोलने का क्या है कि हेंस द माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस द स्लाइसिंग मेथड। हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का दोस्तों आंसर। पांचवा और इस क्वेश्चन का लास्ट का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसके लिए इस सेंटेंस फॉल्स है। तो इससे हम लोग क्या हो जाएंगे, डिसएग्री हो जाएंगे। सो नो आई एम डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो रीजंस दे देते हैं, मैंने आपको क्या बोला, जो भी टर्म क्वेश्चन में यूज किया उसको पहले डिफाइन करने का, उसका पहले मीनिंग लिखने का। मीनिंग लिख लिया हमने कि क्या करेक्ट सेंटेंस है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। ठीक है, अभी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, डिटरमाइंस द फैक्टर विच अफेक्ट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मतलब इसको इनकम थ्योरी क्यों बोलते हैं, इसको हमने दो तीन पॉइंट में भी इलाबोरेट कर लिया आगे के। थर्ड पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरियस वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करें ये कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक बताता है। फिर By the theories given in the microeconomics, it is not possible to derive national income. अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों दिया था कि microeconomics से क्या होता है कि income theory बोलते हैं, तो इसके लिए हमें ये false बताना पड़ेगा कि microeconomics को बेटा income theory नहीं बोलते। इसके लिए हमने क्या बोल दिया अभी इस point में कि by the theories given in microeconomics, it is not possible to derive the national income. आगे का point है हमारा दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम। कैसे कैसे फ्लक्चुएट होता है नेशनल इनकम, ये भी कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट का कंक्लूडिंग पॉइंट लिख देंगे, हेंस नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज इनकम थ्योरी। ऐसे हमने हमारे जस्टिफाई द रीजंस क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो इसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया होगा कि डिटेल में आंसर लिखिए, और एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और आप इसको टेक्स्ट बुक में आपके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, समझो फीचर्स आपको पूछा है, इंपॉर्टेंस आपको पूछा है, तो इस पॉइंट से जैसे का वैसा लिख के आप लोग इससे मार्क ले सकते हैं। इसके लिए इस लेक्चर में वो पॉइंट्स नहीं ले रहा हूँ मैं, और ये जो मैंने आपको जस्टिफाइड आंसर बोले उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।